गाजा फट रहा, अब दक्षिण गाजा फट रहा है। इसराइल पूरे गाजा को मिट्टी में मिला रहा है। सीज फायर खत्म होने के बाद गाजा को खत्म करने की तस्वीरें फिर से आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन गाजा पर मौत बरसाने वाली तबाही के पीछे इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका का असलहा है। हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को 15,000 बंकर बस्टर बम भेजे हैं। गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इसराइल को 57,000 तोप के गोले सप्लाई किए हैं। एक तरह से बाइडन मौत बांट रहे हैं। ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है। अब 15,000 बंकर बस्टर बम बांटकर बाइडन ने इसराइल को बता दिया है कि हमास के खत्म होने तक, गाजा की एक एक इमारत के तबाह होने तक अमेरिका नेतन्याहू के साथ है। हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं सुरंगों में से ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ही हमास इसराइल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इसराइल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब ट्रिपल बी, यानी बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। ये गहराई में छुपे दुश्मन को मार डालता है। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट से बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इसराइल को अमेरिका से कई तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम मिल चुके हैं जो हमास की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57। नमशीख במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה. ואי אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעי. התמרון הקרקעי היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו, והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך. इसराइल की एयरफोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 15,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इसराइल की बमबारी में 6,500 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। हमास को मारने के लिए इसराइल बेतरतीब बमबारी कर रहा है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा का कोई कोना नहीं छोड़ेगा। और जाहिर है कि इसराइल को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। Dynamic will continue to do everything we can to emphasize to the Israelis the necessity to operate within a law of war, but also protect civilians in the battlespace. हमास का सुरंग नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसराइल की एयरफोर्स 3 तरह के बहुत महंगे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करती आ रही है। इसराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है। सुरंग ज्यादा गहरी है तो GBU-72 बम है, ये 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है। तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये है GBU-57 जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है। यानी जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छुपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो वो मारा जाएगा। लेकिन इसराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी है जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। नेतन्याहू के सामने एक बड़ा सवाल यह है
कि जो बम 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए में आता है उसको कहां इस्तेमाल किया जाए। इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 500 किलोमीटर का नेटवर्क। अब इजराइल को अमेरिका से मिल रहा है उसका सबसे फेवरेट बंकर बस्टर पंप, जो सस्ता भी है, भरोसेमंद भी है, जिससे गाजा की तबाही और तेज की जा सकती है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया है। देखते ही देखते इसके एक हमले से पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है, जमीन के नीचे सुरंग ढह जाती है। इस बम का नाम है BLU-109। 870 किलो का ये बम 7 फीट 11 इंच लंबा होता है। 370 मिलीमीटर की गोलाई होती है। सबसे खास बात ये कि इसकी कीमत सिर्फ $21,000, जो बाकी बंकर बस्टर बम के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को ये बम बड़ी तादाद में सप्लाई कर दिए हैं। Conflict ends. Hamas cannot control Gaza, and Israel must be secure. Palestinians need a hopeful political horizon. लिहाजा इजराइल के एयरफोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला किया है, ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिपी हुई है और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका में ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसके लिए बाइडेन की आलोचना भी हो रही है कि गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इजराइल को 5,000 से ज्यादा MK-82 बम दिए हैं। ये अनगाइडेड बम होते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने करीब 5,500 MK-84 बम दिए हैं। इसके अलावा 1,000 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम सप्लाई किए हैं। साथ ही 3,000 से ज्यादा जेटम यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बम भी भेजे हैं। मामाच खोवे कुलाम अमुसाद चवत अमसा उमतान अशबाक चाल וקיימתי קשר ישיר ויומיומי עם הבית הלבן. כל המאמץ הזה נשא פרי. गाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें ढहाई जा रही हैं, रिहायशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहां जमीन के नीचे हमास का ऐसा जाल फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छुड़ाने जैसा होगा। अब तक इजराइल ने कितने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हमास की करीब 800 सुरंग तबाह कर दी है। इजराइल का दावा है कि हमास की कई सुरंग अस्पतालों में मिली, कई सुरंग स्कूलों में मिली। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते हैं। गाजा के अंदर ये नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है और कई जगह ये सुरंग 500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे है। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इजराइल की सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क का पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन गाजा युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि हमास के चुनिंदा कमांडरों को मारने के लिए इजराइल हद से ज्यादा बमबारी कर रहा है और इसका टारगेट आम लोग बन रहे हैं। सीज फायर तक उम्मीद थी कि ये युद्ध नए समझौते के साथ रुक जाएगा या फिर इजराइल की रणनीति बदलेगी, लेकिन अब उसने जो हाल उत्तरी गाजा का किया वही हाल वो दक्षिणी गाजा का कर रहा है। जबकि इजराइल ने ही उत्तरी गाजा से लाखों लोगों को दक्षिण की तरफ जाने की वार्निंग दी थी। गाजा में 15,000 मौतों के बाद पहले ही गुस्सा पूरे पश्चिम एशिया में भड़क चुका है। अगर दिसंबर में ये युद्ध नहीं रुका तो समझ लीजिए कि 2024 का साल 2023 से भी ज्यादा खून खराबे वाला होगा और इसकी वजह से दुनिया में कई बड़े युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा।